नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको मैंने सेंटर में मोती लगाकर डेकोरेट किया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। आइए हम कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो बुकरम का एक पीस लिया है चौड़ा सा। उसको बीच में मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। आप ये जो निशान है वो कम भी कर सकते हैं, आप 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बोट शेप में है ये गला, तो मैंने 4 इंच पर लगाया है। तो इस तरह से इसको हम 4x4 का एक बॉक्स रेडी करेंगे और उसमें ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाहर की तरफ मैंने डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो 2 इंच का निशान लगाया है। इसको भी हम इस तरह से डार्क कर लेंगे और इसके बाहर की तरफ भी हम 1 या 1.25 इंच का एक गोलाई और लगा देंगे। इन तीनों लाइंस को हम कट कर देंगे। इनको कटिंग करने के बाद जो हमने बाहर वाला सबसे बड़ा जो राउंड है उसको कपड़े के ऊपर बना लेंगे, और जो ये बीच वाला जो 2 इंच वाला है उसको हमने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है। तो इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद बाहर का जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इसको सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम सिंपल गला जो बनाते हैं बुकरम वाला, वैसे ही इसको बनाना है। तो जो हमने कपड़ा बाहर से कट किया है उसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, और सेंटर में एक कट लगाकर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें भी एक कट लगाएंगे, और इसको बीचों बीच से एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई जो है वो कच्ची सिलाई होती है, सिर्फ जो हमारा कपड़ा वो हिले ना इसलिए। अब हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ एक और सिलाई लगाएंगे। अब इससे सिलने के बाद हमने जो सेंटर का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और इसको हल्के हल्के से कट लगाकर उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और एक कच्ची सिलाई लगा देंगे जो बाद में हम तुरपाई के बाद निकाल देंगे। अब ये हमारा गला तैयार है। अब हम बीच का जो डिज़ाइनिंग वाला है उसको तैयार करेंगे। उसको तैयार करने से पहले मैं यहाँ पर 2 कलर की एक पट्टी ले रही हूँ, जिसको हमने इस तरह से रखा है, और यहाँ मैंने 1.5 इंच की ली है। आप इसको कम भी ले सकते हैं, आप 1 इंच की भी ले सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिप्स हैं वो हमारी पतली निकलेंगी। तो इस तरह से हम एक और सिलाई लगा लेते हैं इसकी साइड में, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम कट कर देंगे। अब इन डोरियों को हम सीधा करेंगे। अब इन डोरियों को किसी पतली सी चीज़ के साथ हम सीधा कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर सुई के साथ सीधा किया है। इस तरह से इनको सीधा करने के बाद ये हमारी इस तरह से दिख जाएंगी। अब हमने एक ऊपर से इनको दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते टाइम आपने धागा का भी ध्यान रखना है। जो रेड कलर है वहाँ पे रेड कलर का धागा डालना है, और जहाँ पे वाइट है वहाँ वाइट कलर का। जैसे मैंने ऊपर की तरह रेड कलर रखा था तो मैंने मशीन की सुई में रेड कलर का धागा डाला है, और नीचे मैंने फिरकी में वाइट कलर का। तो इस तरह से इन स्ट्रिप्स को तैयार करने के बाद हमने एक पेपर लेना है। पेपर को हमने डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन वाला कपड़ा था, डिज़ाइनिंग वाली बुकरम थी, उसको ऊपर रख के हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद उसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक तरह से एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाकर हम जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं उनको इस तरह से लगाते जाएंगे। जो हमारी राउंड जो है उसका जो साइडें आती हैं वहाँ पे हमने बाहर की तरफ जो बड़ी वाली साइज है वहाँ की तरफ हमने ध्यान रखना है। वहाँ पे स्ट्रिप्स थोड़ा थोड़ा सा गैप करके आएंगी, और ऊपर की तरफ हमारी बिल्कुल गैप नहीं होगा, नीचे की तरफ हल्का हल्का सा गोलाई में गैप होगा। इस तरह से इनको बराबर करके आप लगा लेना। ये सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद हमने ये सेंटर वाली सिलाई हम अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसको ऊपर की साइड से पलटना है। जो नीचे वाली साइड है वो रेड कलर की है, तो वो हमारी बिल्कुल सामने आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। इस तरह से इनको हम ऐसे टर्न करेंगे और स्टिच कर देंगे। टर्न करके हमने जहाँ पे ये है डोरी वहीं पे हमने इसको रखना है, दोबारा से सिर्फ इसको पलटना है। तो इसको ऊपर की तरफ से हमने पलट ली है, नीचे की साइड हमने इसको उल्टी साइड के लिए पलटना है।
इस तरह से। तो ये बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये हमने जो उसको उल्टा करना है और जो भी स्ट्रिप्स की एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला होगा उसको हम कट कर देंगे। अब हमने जो एक पहले एक गला रेडी किया है उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रख के बना लेना है, स्टिच कर देंगे इसके ऊपर रख के। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर दिया है। अब ऊपर की साइड हमने गले की साइड भी इसको फिनिशिंग देनी है, इसलिए हमने 1.5 इंच की ये तिरछी पट्टी ली है। अब हम गले को उल्टा करेंगे और इस तिरछी पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। जो हमने स्ट्रिप्स को जोड़ने के लिए सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और तिरछी पट्टी को हल्का सा हमने स्ट्रेच करके रखना है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसको हल्के हल्के से अंदर की साइड कट लगाने हैं और अब हम सीधी साइड कर लेंगे। सीधी साइड करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो हम सिलाई उसी सिलाई के ऊपर लगाएंगे जो हमने इसको स्टिच करने के लिए लगाई है। इस तरह से ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। गला हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम जो इसके नीचे अखबार लगाई थी या पेपर लगाया था उसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे हमने बीड्स लगा देने हैं। अब बीड्स की जगह पे आप लेस भी लगा सकते हैं सेंटर में, और आप इसको मन चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। जहाँ पे रेड कलर दिख रहा है वहाँ पे भी आप बीड्स लगा सकते हो। मैंने सेंटर में ही लगाए हैं, सेंटर में भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बीड्स लगाने के बाद हमारा गला जो है पूरा तैयार हो जाएगा और देखने में बहुत ही प्यारा सा लगेगा। गला तैयार होने के बाद इस तरह से नज़र आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।